नमस्कार, मैं हूं शिवाना ठाकुर और आप देख रहे हैं मेंट्री न्यूज। भोगांव के रामनगर में दोपहर 1 बजे के करीब हाई वोल्टेज लाइन टूटकर गिर पड़ी, जिसकी चपेट में 4 भैंसे आ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने भोगांव रखी मार्ग पर जाम लगा दिया। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की रिपोर्ट। थाना भोगांव के रामनगर पोस्ट रजवाना में भोगांव रकरी मार्ग पर सड़क की पटरी पर भैंसें बंधी थीं। दोपहर 1 बजे हाई वोल्टेज लाइन टूट कर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर रामनगर निवासी प्रमोद कुमार राजपूत व राजेश कुमार राजपूत की 2 भैंसें व उनके 2 बच्चे चिपक गए, जिससे उनकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर कोई अधिकारी न पहुंचने पर भोगांव रकरी मार्ग जाम कर दिया, जिससे वह वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। क्षेत्रीय लेखपाल जितेंद्र कुमार सिंह ने मुआवजा दिलाने जाने का भरोसा दिया, तब जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। ये भैंसें आपकी खत्म हुई हैं, किससे खत्म हो गई हैं? ये बिजली 11,000 की बिजली से। नहीं तो कहाँ पे बनी थी आपकी भैंस? ये सड़क के किनारे। ये जाम जो लगाए, इसका मुख्य कारण क्या है, किस लिए लगाए? इसका कुछ कोई आया नहीं उसके लिए, मौका मौना के लिए। नहीं तो लेखपाल या SDM महोदय से कोई बात हुई? हाँ, SDM आ रहे, बता रहे। नहीं आपको नहीं पता, लेखपाल साहब से नहीं बात हुई? लेखपाल से नहीं, उनको फोन नंबर नहीं मिल रहा है। आप क्या चाहते हैं? इसका मौका मौना होए, कोई भी आ जाए। नहीं तो मुआवजा चाहते हैं। गरीब आदमी है। कितने कीमत की भैंसें थी आप? 82,000 की। और आपके भाई की? 65,000 की। कितनी भैंसें खत्म हुई हैं? 4। क्या बजे गिरना है? 1 बजे।